अरे कोई डॉक्टर को फोन करना चाहिए। क्या हालत है? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। सुना करो, बेटा में क्या हुआ आप बताओगे? बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ मेरे बेटे मधु के साथ? अरे बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ मेरी मधु के साथ? अरे पापा घबराओ रखो, कुछ नहीं हुआ है। डांस वांस करते हुए ना चक्कर आ गए होंगे, गोल गोल घूम करके डांस कर ली थी। उसको बोला मैंने खा ले, कुछ पी ले, नींबू पानी ले ले, कुछ सुनती नहीं है मेरा। आओ क्या हुआ? क्या है? रोका हुआ है क्या? रोका हुआ है अंधा के साथ। इसने किया रोका के? क्या बोल रहा है? किया बता, चल बता, बोलना बोल। अपनी सस्ती घड़ी आई तो मेरे बता, चल बता, बोल बता, बहुत कर लूं बता के रहे बोल। इसका माथा देखिए, मांग में सिंदूर भरा हुआ है। किसने भरा? और इसके हाथ देखिए, सिंदूर से लाल। इसकी शादी हुई नहीं हुई ना, तो माथे का सिंदूर कैसे? किसने भरा? किसने भरा? आपके दामाद बंदना शर्मा के पति कहना थे। बेटी वंदना बेहोशी में तड़प रही है, क्यों? इन दोनों की वजह से। ये दोनों को जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दे रहे थे जो उसने नहीं किया। उसके दिमाग ने शरीर को तो कर दिया बेहोश, लेकिन वंदना का दिल अभी भी है, सबका बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। इंसान सबसे डर सकता है, लेकिन उसके अपने जिससे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता है, जब वो उसे प्यार में धोखा देते हैं ना, तो इंसान टूट जाता है। मृणाल मृणाल और वैभव ने मिलकर वंदना को धोखा दिया। भागे वैभव टूट जाएगा, छूट नहीं पाएगा, समझा? क्या देखो? अच्छा, ये सस्ती और ऊंची और घटिया लड़कों के बारे में कब से जानूंगा? हाँ, दिमाग को मैंने पता नहीं किन हालातों में देखा जहां नहीं होना चाहिए था तुम लोगों को। यस, कई बार मुझे हो गए, इस बार भी डिस्कस भी किया। गुना, तुम दोनों को ये सब पता था तो आज तक बोला क्यों नहीं? इतना बड़ा धोखा कैसे छुपा के रखा? मैंने बताने की कोशिश की थी दीप बुआ जी, वंदना का सगा भाई, सगी भाभी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मेरी गलती है, मुझे इनकी नहीं अपने दिल की सुननी चाहिए थी। भले ही हमारी बात कोई नहीं मानता, पर हमें चिल्ला चिल्ला के शोर मचा देना चाहिए। मैंने वंदना को बताने की कोशिश की थी, लेकिन वंदना को मुझसे ज्यादा अपने प्यार पर भरोसा था। वो जानना चाहेंगे दुर्गा पूजा के बीच अचानक ऐसा क्या हो गया जो काफी भड़की हुई है? आप अगर एपिसोड देखेंगे, ये बहुत बड़ा हाई पॉइंट है शो का, बहुत डेंजरस पॉइंट आ गया है एंड बहुत मज़ा आएगा देख के। तो ये एपिसोड मिस मत करिएगा, बिकॉज़ यहाँ से कहानी
में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो रही है हमारी कहानी। दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ ने औरत का साथ दिया एंड ये माँ की शक्ति है, औरत की शक्ति है। देखते रहिए बातें कुछ अनकही सी। तो दुर्गा माँ से तो कुछ नहीं छुपा है, माँ शक्ति का प्रतीक है और जितने भी धोखे जितने भी बुराइयाँ होती हैं माँ सब हर के लेके जाती हैं। तो ऐसे ही बंधु की लाइफ में भी चल रहा है, जितनी भी उसकी लाइफ का जो सबसे बड़ा धोखा है वो माँ के आशीर्वाद से आज खुल गया है, बंधु की आँखें खुल गई हैं। तो बहुत बड़ा, एक्चुअली शिवाजी ने सही बोला पवी बुआ ने, कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये सब के लिए और सबसे ज़्यादा बंधु के लिए। मृणाली की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, तो काफ़ी लड़ाई हो रही है घर में, उसके बारे में। सो देखिए पम्मी का कैरेक्टर ऐसा है कि उसने मृणाल को पहले पहचान लिया था, जब मृणाल ने कोशिश की थी बॉबी जो पम्मी का बेटा है उसको फंसाने की, पम्मी ने फौरन रोक लिया था। तो पम्मी की सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ है। मृणाल का बहुत बड़ा धोखा है और अपनी ही बहन के साथ मृणाल धोखा कर रही है, उसको सज़ा ज़रूर मिलने वाली है और ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं आप वंदना का साथ देते हुए नजर आ रही है, क्या कहेंगे? मैं औरत का साथ दे रही हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किसी औरत के साथ गलत हुआ है या धोखा हुआ है। सो एट दिस पॉइंट पम्मी अब वंदना को एज द हीरोइन नहीं देख रही कि किसी औरत के साथ किसी और ने धोखा किया जो उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, बिकॉज वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड वुमन है एंड शी स्टैंड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। अब सब आप हमसे ही जान लेंगे तो आप देख के क्या बताएंगे। नहीं, लेकिन ये बात फैक्ट है कि तारा जो है उसकी माँ ही उसको कुणाल के पास छोड़ के गई है और अभी तक ये पता नहीं है कि वो कुणाल की बेटी है या नहीं, है ये अभी तक टेस्ट नहीं है। We haven't established that scientifically. तो उस पर हम कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ वंदना जो है उसको बच्चों से बहुत प्यार है और शो में ये भी दिखाया जा चुका है कि उस वो माँ नहीं बन सकती, तो जो एक मदरली फीलिंग है उसकी तारा के प्रति वो कहीं ना कहीं हो सकता है फ्यूचर में इन दोनों को करीब लेकर आए। प्लीज़ सेलिब्रेट अ क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री दिवाली, सब खुश रहिए, बहुत इंजॉय करिए और देखते रहिए बातें कुछ अनकही सी। हर रात 9 बजे स्टार प्लस पर एंड एनी टाइम ऑन हॉट स्टार, दिवाली हो या नहीं हो आपको देखना है हमारा शो। थैंक यू।